ने बजट 2018 में सैलरीड क्लास लोगों को 40,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया, पर वहीं पीछे के दरवाजे से ट्रैवलिंग अलाउंस और मेडिकल रिम्बर्समेंट को हटा दिया। सैलरीड क्लास खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के सैलरीड क्लास के लोगों को राहत देने के नाम पर 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया, मगर दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा छीन ली है। हम आपको बता दें कि 19,200 रुपए के एनुअल ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपए के मेडिकल रिइंबर्समेंट को हटाकर 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन रखने से सैलरीड क्लास के लोगों को साल भर में सिर्फ 5,800 रुपए पर टैक्स का फायदा होगा। जेटली के अनुसार इस फैसले से कागजी कार्रवाई और नियम कानूनों का झंझट कम होने के अलावा मध्य वर्ग के नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स की देनदारी में भी कटौती हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन के फैसले का फायदा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा, जिन्हें परिवहन और चिकित्सा खर्च पर कोई भत्ता नहीं मिलता है। सरकारी खजाने पर इस फैसले का 8,000 करोड़ रुपए का असर होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऐलान से कुल 2.5 करोड़ सैलरीड और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, पर इन 2.5 करोड़ लोगों को टैक्स में सिर्फ 5,800 रुपए का ही फायदा मिलेगा। उजैर अली जाफरी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।